क्या हुआ गुलाबो, उदास क्यों है? बस बस रहने दो जी, क्या करोगे पूछ के? नहीं नहीं गुलाबो, मुझे तू बता बात क्या है? इतना पूछ ही रहे हो ना, तो फिर सुनो जी। अच्छा गुलाबो, ये बात है? अरे गुलाबो, पानी में ले आऊंगा, तू आराम से घर बैठना, टेंशन ना ले। गुलाबो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले मैं कपड़े धो लूं, फिर ना तू थक के आई है, तेरे पाम भी दबाने हैं, कपड़े धो लूं के? हाँ जी धो लो। अरे चमेली देख, बेटा कपड़े धो रहा है और बहू बैठी है, बहू का गुलाम। आप ठीक कह रहे हो जी, बेटा तो गुलाम है बहू का। चल चमेली, उनको धमकाते हैं चलकर। अरे चलते हैं चलते हैं, थोड़े पैर तो दबा लो। अरे भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा नहीं मम्मी जी, मैं कपड़े धो रहा हूँ। अब आई बात समझ सासू जी? वो तो मैं भी देख रही हूँ, तू कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती तू कपड़े धो रहा है? और तू सुन महारानी, तू डूब के मर जा, तेरा पति कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ जी, डूब के कौन ही मरना, मैं विधवा हो जाऊंगा, और जो ना काम करना तो मेरा फर्ज है, मैं पति व्रता हूँ, पति का पत्नी का सेवक। हाँ पत्नी व्रता होता है जी, पत्नी व्रता। हाँ वही वही वही, आपने राइट बोला। वही माँ जी डूब के मरने की बात ना, मैं क्यों डूब के मरूं? अरे थोड़ा सा मेरा काम में हाथ बटा दिया तो क्या हो गया, और मैं यहाँ पे कोई निकम्मी आराम से बैठ के आराम नहीं कर रही, इतनी दूर से जाके ना पीने का पानी लेके आई हूँ, कमर में मोच आ गई है। क्या तेरी कमर में मोच आ गई है? ये कमर नहीं है कमरा, पानी तो मैं लाया करती थी बड़े बड़े मटके, ये छोटा सा मटका उठा के तू कहती मैं पानी लाई हूँ।
देखो माँ जी, सबसे पहली बात कि मेरी ना सेहत पे जाने वाली आप कोई भी करतूत ना करो। जब भी आप नजर लगाती हो ना, हमेशा मैं बीमार हो जाती हूँ। और दूसरा, मेरे बाप ने खा पिला के मेरे को हट्टी कट्टी करके यहाँ पे भेजा है। आपका बस चले ना, दो दिन में यूं पतली सूखी तार की तरह सुखा दो। और रही पानी के मटके लाने की बात ना, तो आप जो पानी का मटका लेके आया करती थी ना, तब लगा हुआ था हैंडपंप यहाँ पे पड़ोस में, जो अब उखड़ गया। पता है कितनी दूर से, 2 किलोमीटर से पानी का मटका उठा के लेके आई हूँ मैं। ओके, राइट बोला गुलाबो तूने, राइट। हाँ, मैं कपड़े धोऊं। अरे चुप, तो तेरे लिए माँ तेरी बहू से झगड़ा कर रही है, तू बोलता है गुलाबो राइट बोला, गुलाबो राइट बोला। अरे बापू, राइट तो बोल रही है, कपड़े धो रहा, मैं कुछ चोरी थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ, धोऊंगा। अरे क्यों, पत्नी का गुलाम बना हुआ है, हैं? पत्नी को नहीं कह सकता कपड़े धोने के लिए? माऊ तू आ जा। अरे आप 2 मिनट चुप रहो जी, मैं करती हूँ सासू माँ से बात। क्या कहा, पत्नी को नहीं कह सकता? पत्नी जब इतने महीनों से पति के कपड़े धो रही है, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, और आज पति ने थोड़े से कपड़े क्या धो दिए? आपको तो पारा सातवें आसमान पे चढ़ गया। और क्या बोला, जोरू का गुलाम। अगर पति पत्नी के किसी काम में हाथ बटाता है ना, तो उसे जोरू का गुलाम नहीं बोलते, उसे कहते हैं कि पति और पत्नी का साझा काम करना प्यार से, समझे आप? अरे बहुरानी, अगर तूने जो आपके पति के कपड़े धो दिए, तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो आपका हक बनता है, हक, समझी क्या? तो इनका भी फर्ज बनता है ना, अगर ये मेरा काम में हाथ बटा देंगे तो। अब इतनी दूर से पानी का मटका उठा के लेके आई, कमर में मोच आ गई, थोड़ा सा आराम क्या कर लिया आपका? तो मैं ना सच बताऊं, 1 मिनट आराम करते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। नौकरानी समझ रखा आप लोगों ने मुझे, नौकरानी। अरे चुप, मेरा बेटा भोला है, इसलिए तू उससे काम करवाती है। मैं काम करवाती हूँ सासू माँ, मैं? सुनो जी, आपको कपड़े धोने के लिए किसने कहा? माँ जी, मैं अपनी मर्जी से काम कर, मैं कपड़े धोऊंगा। तो अरे गधे, अपनी पत्नी को कहते होते हैं, आप नहीं कपड़े धोते होते? माँ जी आप तो ना चुप ही रहो, ठीक है ना? मुझे सारा पता है कि आप कितनी पतिव्रता हो, और जो अपने बेटे को आप यूं कह रहे हो कि अपनी पत्नी को कहते हो, आपका सारा काम भी तो ससुर जी करते हैं। इन्होंने कपड़े क्या धो लिए, आप पे तो बिजली गिर पड़ी। क्या पता है, क्या पता ऐसा? माँ, मैंने देखा था। अरे चुप कर, देखिए बहू, जब हम समझाने आए तो आप उल्टा हम पे इल्जाम डालने लगी। ससुर जी, इसे प्यार से समझाना नहीं कहते, इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच में दरार डालना। आप दोनों तो हम दोनों को ऐसे प्यार से बात करते हुए देख के भी सुखी नहीं रह सकते। माँ जी, मैंने देखा है बापू का आपका कितना प्यार है, बापू आपके पाँव दबा रहा था, मैं देख रहा था कितना प्यार। हम भी ऐसे करते हैं, मैं अभी इसके पाँव भी दबाऊंगा, मैं अपने बापू के ना नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। हाँ, अरे वो तो गिर गई थी, इसके पाँव में मोच आ गई थी, वो डॉक्टर ने बोला था मलम लगा रहा था मूरख। अरे बापू, इसके भी मोच आ गई, जो मटका लेके नहीं आई, अब रो रो के मेरे को बता रही थी। हाँ, अरे बेवकूफ, तू तो उल्लू है उल्लू, अपनी पत्नी के तू बहाने नहीं देखता। देखो माँ जी, मेरी ना आपकी तरह कोई आदत नहीं है बहानेबाजी करने की, जो करती हूँ ना थोक बजा के करती हूँ, समझ गए? अरे आप धो ना कपड़े, आपके अपनी माँ की बातों में आ रहे हो। आप चुप कर दो, मेरे को काम करने दो। हाँ, खबरदार बहू, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अरे सासू माँ, काम तो मैं ही करती हूँ ना घर का, इन्होंने तो बस कपड़े धो के काम में मेरी हेल्प ही की है, तो इसमें खबरदार वाली कौन सी बात है? अरे बहू, ये तो हम सब देख रहे हैं, ये कैसी हेल्प कर रहा है तुम्हारी, हमें बच्चा मत समझ। पिताजी आप रोंग हो, रोंग, आप बच्चे नहीं, आप तो मेरे बाप हो, आपका बच्चा तो मैं हूँ। हाँ। सासू माँ बस बहुत हो गया, और अब मैं एक बात कान खोल के सुन लो, आपकी और मेरी ना अब नहीं बनेगी, समझ गए? We'll be right back.
राइट गुलाबो राइट, सासू की मत सुनना, हम न्यारे हो जाएंगे यहाँ। चुप, बदतमीज कहीं कहना तो, तू कैसे न्यारा होगा, न्यारा होके तो दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी टांगे। क्या कहा कि टांगे तोड़ दूंगी? अरे तू हाथ लगा के तो दिखा, अब ये सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरा पति है, मेरा पति। इसकी तरफ अगर तूने एक इंच उंगली भी बढ़ाई ना तो बुढ़िया तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं, समझी तू? राइट गुलाबो राइट, तू बिल्कुल सही कह रही है, मेरे को मजा आ गया। अब माँ जी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पता है क्यों? मेरी गुलाबो कितनी हट्टी कट्टी है, अब तेरी भी ना टांगे तोड़ देगी। अरे चुप रामजादे, तेरे लिए तो बहू से हम लड़ रहे हैं, तू ऊपर से कह रहा है राइट कह रही है गुलाबो राइट। रामजादा मुझे लगता है तुझे गुलामी सहन करने की आदत पड़ गई है, बात तेरे बस से निकल चुकी है, जो हम तेरे फैब्रिक की बात करते हैं उल्टा हम पे चढ़ जाता है। अरे बापू मेरे को कपड़े धो ले। अरे चुप बेवकूफ ना हो तो, बहू से कह रहा है राइट गुलाबो, अरे तू कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसे नहीं कहता। माँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे माँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कपड़े भी धोएंगे। अरे क्या करूँ मैं इसका? अरे माँ जी करना क्या है, बिल्कुल सही तो बोल रहे मेरा पति, आपकी जो हरकतें है ना हम दोनों के साथ, जो आप बर्ताव करते हो बुरा, कौन आपके साथ रहेगा? आपके साथ तो गली का कुत्ता भी ना रहे। बहू औकात में रहे अपनी औकात में, इतने भी नहीं गिरे हुए हम जानते हैं तू हमारे बेटे को हमसे अलग करके अपने मायके ले जाना चाहती है, वहाँ पर इसे पोछा लगवाएगी, टॉयलेट साफ कराएगी। अरे बापू मैं पत्नी का सेवक हूँ, मेरे को काम करने दो, मेरा काम में हाथ तो बटाते नहीं। ओहो ससुर जी तोबा तोबा, इतनी गंदी सोच आपकी मेरे बारे में, मैं तो क्या समझती थी जी इन्हें पिता के समान और इन्हें माँ के समान, और ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे, मैं आपको नौकर बना के रखना चाहती हूँ, आपका घर तोड़वा के इनसे दूर करके अपने मायके लेके जाना चाहती हूँ। आप सही तो कह रहा है तेरा ससुर। अरे गलत बोल रहा है वो, कहाँ सही कह रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कपड़े धोऊंगा। माँ जी मुझे सब समझ आ गया, एक्चुअली मैं घर नहीं तोड़वाना चाहती, मैं तो आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों की नीयत में खोट है। सुनो जी आपकी माँ और आपके बाप चाहते हैं कि हम दोनों न्यारे हो जाए, तभी इन्होंने अपने मुंह से ये बात निकाल ली है। ऐसे कैसे न्यारे हो जाओगे तुम, मेरे बेटे को करके तो देख तू न्यारा। अरे आपका पति बोल रहा है, मैं क्या बोलूं? अरे बहू चुप कर, अगर अलग होने का इतना ही शौक है ना तो निकल जाओ इस घर से, अपना घर बनाओ, आप कमाई करो, आप खाओ, ये तो हम कमा के लाते हैं वो खाते हो, ऊपर हम पे डांट लगाते हो। अरे बापू कहाँ जाऊंगा मैं बाहर घर से, इधर रहूंगा। अरे आप समझ नहीं रहे जी, आप तो बोले के बोले हो, ये मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं, आपके गुलाबों को घर से निकाल रहे हैं जी। बापू गुलाबो कहीं नहीं जाएगी, गुलाबो यही रहेगी, मैं कपड़े दूंगा, सारा काम करूंगा। बापू इधर छोड़ ना मुझे। अरे रुक, हाँ ये यहीं पे तब रह सकती है अगर गुलाबो सारा घर का काम करे, तू आराम से बैठे तब ये यहाँ पे रहेगी। माँ कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी गुलाबो घर से बाहर निकली तो खून की नदियां बह जाएगी, खाले बह जाएंगे, सब कुछ बह जाएगा। अरे निकम्मे तू हमें मारेगा, हमारे खून की नदियां बहेगा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ जी खून की नदियां किसी की नहीं बहेंगी, मैं तो डायलॉग बोल रहा था, डायलॉग मैं उसकी रिहर्सल कर रहा था थोड़ा सा ना, मैं उसमें आ गया था पावर में, मेरी शूटिंग चल रही है ना, मैंने बॉम्बे ना मेरे को बुलाया है फिल्मों का, वो क्या कहते हो डेविड धवन ने, उसने फोन किया है, मैं जाऊंगा। अरे ओ मूर्ख, अरे हमको अंदर से हिला दिया, तेरे को डेविड धवन ने बुलाया, अरे बीपी बढ़ गया मेरा, ये तेरी माँ का चेहरा देख लाल हो गया, इतनी अच्छी लग रही माँ। अरे डर के मारी लाल हुई है, डर के मारी। अरे चुप कर तू, अरे गुलाबो चल तू कपड़े धो और मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा। देखो माँ जी आपके बेटे ने मजाक कर लिया होगा ना आपके साथ, लेकिन मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने वाली। सुनो जी कपड़े धो चुपचाप। अरे माँ जी इतने से तो पड़े हैं, मैं अभी धो दूंगा फटाफट दो मिनट में। अरे चुप, तू धोएगी कपड़े, मेरा बेटा नहीं धोएगा, समझी? तो क्यों भाई आपके बेटा थोड़ा से कपड़े धो लेगा तो उसके हाथ घिस जाएंगे क्या?
अरे तुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? मेरा बेटा कपड़े दो और तू आराम फरमाए। अरे माँ जी कहाँ क्या आराम फरमा रही हूँ, सबसे पहले तो 2 किलोमीटर से पानी लेके आई, कमर में मोच आ गई। 1 मिनट भी ना हुआ होगा आराम किए हुए, उतने में आप दोनों टपक पड़े, तब से कह 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 चह चह करके मेरा सिर खा गए और कह रहे हो कि मैं आराम फरमा रही हूँ, कर लो बात। अब चुप करके ना तू काम पे लग जा। अरे चुप, खड़ा तू यहाँ से। गुलाबो तू सो, आराम कर। चल खड़ा यहाँ से। गुलाबो आराम कर, चल चल छोड़ इसको। राम ज्यादा कहीं का, गुलाबो आराम कर। हे भगवान, लोग ना सही कहते हैं, ये जो सासू माँ होती है ना वो टेढ़ी खीर होती है। आखिर अपने बेटे को उठा के ले गई और रह गए ये कपड़े, कौन धोएगा इन्हें, मुझसे तो ये धुलने वाले है नहीं। ए भगवान, मेरे पति को ले जाने की बजाय ना तो एक काम कर, मेरी सासू माँ को उठा ले, उठा ले, पूरा 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी तुझे। हाँ।